हेलो फ्रेंड्स, अमिता क्लोथ आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज देखो, जैसे दिवाली आने वाली है तो मैंने ये पुरानी चूड़ियों से किस तरह का डेकोरेशन का सामान बनाया है। तो देखो, देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो इसे हम चलो बनाना शुरू करते हैं। इसको मैंने कैसे बनाया है तो चलो बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए देखो, मैंने पुरानी चूड़ियाँ होती हैं जो मेरे पास काफ़ी चूड़ियाँ रखी हुई थी, मैंने उनमें से बराबर एक ही साइज़ की चूड़ियाँ सब निकाल ली है, जैसे एक ही कलर में मिल गई मुझे सभी चूड़ियाँ। देखो, इनका थोड़ा रंग भद्दा सा हो रहा था, इसीलिए मैंने ये जितने आपके पास बर्ड्स हो इसी के अकॉर्डिंग आपको चूड़ी लेनी है। तो मैंने देखो इस तरह ऊपर नीचे हम एक दूसरे के ऊपर चूड़ियों को ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो मैं ये 8 चूड़ियाँ ले रही हूँ। आपको ये जितना बड़ा या छोटा बनाना है, मेरे पास चिड़िया थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैंने ये 8 चूड़ियाँ ली है। अगर आपके पास सभी चिड़िया छोटी हो तो आप ये चूड़िया कम ले सकते हो। अब इन्हें में पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इन्हें यहाँ से हल्का सा हॉट ग्लू गन लगाती है, अपने ऊन को बार 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 ऐसे करते चले जाएंगे। इससे हमें पूरा कवर कर देना है। ये हमें ऊन का गोला इतना रखना है जो हमारी चूड़ियों के बीच से निकलता जाए। इस तरह देखो बार बार इसे घुमाते जाएंगे तो हमारा देखो ये पूरा कवर हो गया है। कवर होने के बाद हमें ये भी नहीं पता लगेगा कि इसके अंदर चूड़ियाँ हैं। तो हमारी कितनी भी पुरानी चूड़ियाँ हों इनसे हमें सुंदर बना सकते हैं। देखो इस तरह मैंने ये 4 बना लिए हैं, 2 रेड कलर में बनाए हैं। देखो मैंने, ये आपकी मर्जी है, आप जो कलर लेना चाहते हो। मैं इसकी हेल्प से भी इनको पेस्ट कर सकती हूँ और सुई धागे से भी कर सकती हूँ। तो मैं आज आपको सुई धागे से करके दिखाऊंगी, क्योंकि हॉट ग्लू गन सभी के पास जरूरी नहीं होता है। तो ये देखो, सुई धागा हर बहन के घर में होता है। तो ये देखो इस तरह, अब हमें दूसरी साइड आना है। तो इसके बीच से ये मैं निकालते हुए सुई धागे को इस साइड लेके आ जाना है। यहाँ से हमें दोनों पेस्ट कर सकती हैं। देखो आप यहाँ से भी इसको पेस्ट कर सकते हो, ये मैंने आपको बताने के लिए बताया है। पर अगर आप सुई धागे से करोगे दोनों साइड से तो आपको हॉट ग्लू गन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो मेरे पास इस तरह का घास था, ये सूखा हुआ। तो मैंने ये अपनी एक पुराना जो मेरे पास पुराना एक पिछली बार बनाया था जो मैंने जिसकी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तो मैंने उससे घास निकाल लिया है। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपको ग्रीन घास मिल जाए तो वो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास ये सूखा था तो मैंने इसी से करके दिखा रही हूँ आपको। तो मैंने अपनी 4 चूड़ियों के बीच में घास रख लिया है। अब इनके अंदर एक एक चिड़िया को मैं बैठा दूँगी, इनको भी मैं हॉट ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर दूंगी। इस तरह देखो, अब हमें हर बेंगल्स घेरे के अंदर इस तरह अपनी चिड़ियों को बैठा देना है। तो देखो यहीं पर बैठकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसके बाद हमें देखो यहाँ से हमें नीचे की साइड से सुई धागे से मैंने 3 से 4 बार धागे निकाले हुए हैं। तो ये देखो इस तरह के फूल हैं जो मैंने पहले तोरण में लगाए थे, सेम ऐसे ही बनाने हैं। हमें एक फूल लगाएंगे, इसके बाद मैंने 6 मोती लगा लिए हैं, फिर एक रेड कलर का लिया है, इसके बाद फिर मैं 6 मोती डाल रही हूँ, फिर इसके बाद अब की बार ग्रीन कलर ले लेंगे। आपकी इच्छा है, आप जितने कलर लगाना चाहते हो, एक कलर से बनाना चाहते हो तो एक कलर से भी अच्छा लगेगा। इस तरह अब इसके बाद में एक छोटा फूल लगाऊंगी, मेरा छोटा फूल लगाऊंगी क्योंकि अब की बार मुझे अपनी छोटी चिड़िया लगानी है। देखो ये मेरी जो अंदर बैठी हुई है इनसे थोड़ी छोटी है चिड़िया। तो इस तरह में एक फूल नीचे की तरफ लगाते हैं, एक मोती लगा लेंगे, इसको यहाँ पर हम बंद कर देंगे। हमें ऊपर लेते हुए छोटे फूल की साइड से इसको हमें बंद कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे। ऐसे ही हमें इस साइड लगाना है। जैसे धागा भी सुई में छोटा है तो मैं पहले आपको बीच का लगा के दिखा देती हूँ।
इसमें मैंने येलो कलर लगाया है इस तरह। देखो ऊपर की साइड, देखो मैं इस तरह का मैंने एक डोरी ली है जो ऊपर हमें बंद करने के लिए चाहेगी। इसके अंदर मैं मोटे मोती डाल दूंगी, मोती डाल दी है मैंने इस तरह, ये बार बार ऊपर नीचे ना हो, तो यहाँ से हमें बंद कर देंगे इसको। इस तरह हो गया मैं, देखो हमारे तीनों नीचे के तोरण भी बन के। अगर हमें इस तरह का कुछ और रखना है, मेरे पास ये अंडा था, मैंने रखा दिखा रख के, पर मुझे थोड़ा बड़ा लगा, मैंने वापस उतार दिया। इसके बाद हमें यहाँ पर इसको इस तरह की बारीक वाली लैस लगा देंगे, इसे और भी सुंदर लगने वाला है। देखो इस तरह हमें लगानी है, ऐसे लगाते जाएंगे, बिल्कुल ऐसे हमें बना लेनी है। दो को एक साथ लगा देंगे, यहाँ पे इसको हमें बंद कर देंगे। अब जो बाकी के दो हैं उन्हें भी हमें ऐसे ही करके लगाना है, नीचे से लेते जाएंगे ऊपर तक ले जाकर उसको वापस जहाँ से हमें शुरू किया है वहीं से हमें इसको बंद कर देना है। देखो यहाँ पे हमें ऐसे इस साइड घुमाते ले जाएंगे, ऐसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे लाके हमें इसको कट करके इस तरह फिस्ट कर देना है। तो देखो लगने के बाद ही कितना अच्छा लग रहा है। इसके साइड में हमें एक एक रेड कलर का फूल लगा देंगे, वो आपकी मर्जी है, आप जिस कलर का भी लगाओगे वो ही अच्छा लगने वाला है आप। तो देखो इस तरह का ये बन के तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा खाली लग रहा है, तो इस तरह के हम छोटे फूल लगा देंगे यहाँ पे थोड़ा सा, इस तरह में छोटा फूल लगा देना है। देखो ये हमारे छोटे फूल लग के भी तैयार हो गया है। इसके बाद देखो मैंने बना के दीवार पे लगा के दिखा दिया है, तो कैसा लगा है आपको? आप भी इस दिवाली अपने घर में इसे जरूर बनाना, बेकार चूड़ियों से अच्छी चीज़ बन जाएगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।